अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? तो इस वीडियो में मैं फेस पोर्ट्रेट की शेडिंग करूंगी और शेडिंग करने के लिए मैं इन सारे टूल्स का यूज़ करूंगी। तो आउटलाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर रखी है और मैंने इसमें किसी भी मेथड का यूज़ नहीं किया, मैंने फ्री हैंड ड्राइंग की है। तो शेडिंग करने से पहले मेक श्योर करें कि आपकी जो पेंसिल है उसकी जो टिप है ना वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। और शार्प करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रीस पेपर का यूज़ कर रही हूँ। ग्रीस पेपर पर इसको रब करेंगे तो ये शार्प हो जाएगी। तो पेंसिल मेरी शार्प हो चुकी है, सो लेट्स स्टार्ट द शेडिंग। सबसे पहले मैं आईज़ में कलरिंग करूँगी और ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प्स। तो इसी तरह से हम दूसरी आई की भी शेडिंग करेंगे और उसके बाद मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगी। शेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं एच बी पेंसिल का यूज़ करूँगी क्योंकि एच बी पेंसिल जो होती है सबसे लाइट कलर होता है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर हमें डेप्थ दिखानी होती है फिर हम डार्क कलर की तरफ जाते हैं। और अब बारी आती है बियर्ड बनाने की। जैसा कि आपको पता है कि बियर्ड बहुत डार्क कलर की होती है, इसीलिए उसको डार्क दिखाने के लिए मैं चारकोल पाउडर का यूज़ करूँगी। तो चारकोल पाउडर से लेयर बनाने के बाद मैं चारकोल पेंसिल से इसकी डिटेलिंग करूँगी। डिटेलिंग के बाद अब बारी आती है हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी नीडेड इरेजर का। नीडेड इरेजर को आप जितना चाहो बड़ा छोटा कर सकते हो इस तरह से। तो इसकी मदद से हम छोटी छोटी जगहों पे भी हाईलाइटिंग कर सकते हैं। तो ड्राइंग यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। तो मेरी कोई भी चीज़ हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।